हे गाइस, आज हम वॉश करने वाले हैं महिंद्रा की बुलेरो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डस्टी यहां पर आपको नज़र आ रही होगी। चलिए दोस्तों इसके हम बैक डोर को ओपन करते हैं, और जैसे ही दोस्तों हम इसके बैक डोर को ओपन करेंगे, आप पीछे साइड की जो कंडीशन है दोस्तों आप देख सकते हैं। फ्लोर में आप देखिए जो मैट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो धूल है वो लगी हुई है, साथ साथ कई सारे बनानास के जो छिलके हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं दोस्तों। और जैसे दोस्तों हम आपको साइड से दिखा देते हैं, साइड से इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, और हम इसके रेयर व्हील की तरफ नज़र डालेंगे। आप देख सकते हैं रेयर व्हील भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है दोस्तों, और करीब से आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धूल है दोस्तों वो अंदर तक यहाँ पर टायर में चिपकी हुई है, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। अंडर बॉडी की कंडीशन देखें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको मडी नज़र दोस्तों आ रही होगी। दोस्तों हमारे इस चैनल में दोस्तों इस बुलेरो को हमने कई बार वॉश किया हुआ है, और हर बार ये बुलेरो अलग अलग दोस्तों कंडीशन में यहाँ पर आती है, कभी काफ़ी ज़्यादा मडी कंडीशन में आती है। और भी वीडियोस दोस्तों अगर आपको देखने अच्छे लगते हैं कार वॉशिंग से रिलेटेड दोस्तों स्पेशली, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको रोज़ और रोज़ दोस्तों डेली अच्छे अच्छे अपडेट्स कार वॉशिंग के मिलते रहें। तो दोस्तों आप यहां पर फ्रंट व्हील में भी कंडीशन देख सकते हैं। एक बार आपको दोस्तों इसका इंटीरियर हम दिखा देते हैं, इंटीरियर की कंडीशन आप देख लीजिए किस प्रकार से है। जैसे हम इसके डोर को देखते हैं दोस्तों, डोर की कंडीशन आप अच्छे से देख सकते हैं, साथ ही साथ इसकी सीट की कंडीशन और इसके डैशबोर्ड की कंडीशन दोस्तों, और हम अब देखेंगे इसके फ्लोर की कंडीशन। तो सभी चीज़ों को दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप क्लीन करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं।
गाइस फाइनली हमने गाड़ी कम्प्लीटली वॉश कर लिया है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी पहले काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पर डस्टी नजर आ रही थी, अब काफी ज्यादा क्लीन है। इसके आप बैक स्पेयर व्हील को भी देख सकते हैं, हमने इसे अच्छी तरीके से पॉलिश किया है और आप पूरी कंडीशन देख लीजिए दोस्तों। चलिए आपको एक बार हम इसका बैक डोर तो ओपन करके दिखाते हैं। बैक डोर और बैक साइड पे जैसे डस्ट जो भरी हुई थी मैट में, हमने अच्छी तरीके से क्लीन किया है, वैक्यूम किया है, प्लस मैट को भी क्लीन किया है, जैसे आपने पूरे वीडियोस पे देखा हुआ है दोस्तों। सारी की सारी प्रोसेस आपने डिटेल से देखी, इसलिए आपका लाखों लाखों शुक्रिया। और जैसे दोस्तों हम इसके डोर को ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं डोर भी पहले से ज़्यादा शाइन कर रहा है। साथ ही साथ सीट की कंडीशन देख लीजिए, डैशबोर्ड की कंडीशन देख लीजिए दोस्तों, और ओवरऑल जो इंटीरियर है और फ्लोर है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। दोस्तों इसकी वॉशिंग की वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। और आप इसके फ्रंट व्हील पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिश के बाद जो व्हील है वो दोस्तों शाइन कर रहा है। और आप पिछला जो दोस्तों हमारे इंट्रो वीडियो में आपने देखा हुआ था कि कितना ज़्यादा जो धूल है, मड है, जो टायर में चिपकी हुई थी, जिससे हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों क्लीन किया है। तो इसका ड्राइवर साइड भी ओपन करके एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। ड्राइवर डोर भी काफ़ी अच्छे से क्लीन है, डैशबोर्ड भी काफ़ी अच्छे से साइन कर रहा है दोस्तों, और जो आप इसके फ्लोर को भी देख सकते हैं, और ABC पैडल्स भी हमने अच्छी तरीके से क्लीन किया है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वॉशिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमको सपोर्ट करिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।